कंपनी से कॉल आ गया है मेरा, और कॉल आके मुझे बिल्कुल खुशी नहीं, पूरा मूड खराब हो गया मेरा। आज गाड़ी छोड़नी है हमने, पता चल जाएगा हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत हो रही है, जो हॉर्न बार बार खराब हो जा रहा है। और गाड़ी 500 किलोमीटर भी चल गई थी तो आज सर्विस भी हो जाएगी। ये देखिए हिमालयन, हमारी गाड़ी का कितने किलोमीटर, 504 किलोमीटर हो गई, 500 में पहली सर्विस है, पहली सर्विस हो जाएगी और गाड़ी का चेकअप भी हो जाएगा कि क्या क्या इसमें दिक्कत हो रही है जिस वजह से इसका हॉर्न बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहे हैं, सब बताऊंगा पहली सर्विस जो 500 में होने वाली है उसमें कंपनी वाले कितना चार्ज कर रहे हैं और हॉर्न क्या दिक्कत के वजह से खराब हो जा रहा है। तो चलते हैं शोरूम को। है साहब, हेलो हेलो, अरे गाड़ी हो गई, तूफान हो गई, काम धंधा बंद कर दिया इसने, रोज बाजार। कल मैं जाता हूँ कहा, साले उतना हल्ला किया, आंटी कहाँ जा रहा हूँ मुझसे, खुद का ब्रांड यहाँ जा रहा है, ये बुढ़ापे में मैं शर्मा आंटी यहाँ जाऊंगा क्या? अरे ऐसा मत कहा कर यार तू गाड़ी लोगों को। चलो मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं गाड़ी सर्विस में गाड़ी देने, ठीक है आता हूँ फिर बनाते हैं वीडियो। तो गाइस जल्दी से शोरूम गाड़ी छोड़ के आते हैं, वीडियो बनाते हैं और सब बताया जाएगा आपको सर्विस कॉस्ट कितनी हुई और हॉर्न क्यों नहीं बज रहा है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। काम चौपट हो गया सब, चौपट कर दे गाड़ी ने, घर का काम चौपट कर दिया, गेहूँ झोलने हो रहे हैं, वो हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसा ही है लड़के का। चलो चलो तुम स्क्रिप्ट तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ अभी। चलो गाइस, तो गाइस निकल गए हैं, थोड़ा सामान भेज देते हैं, इंटर नहीं पड़ा था, पुराना पड़ा था, पहले भैया घर से दे देता हूँ, आधे देखना फिर उन्होंने पता नहीं मूड चेंज हुआ गया नहीं, फिर मैंने दो किलो पर टेस्ट भेज दिया लांजो कंपनी का। चलो भाई अच्छा चलो, आई थी आरसी की आ गई, इसकी नंबर प्लेट से आ गई है, चलो आज वो काम भी हो जाएगा बढ़िया। तो गाइस पहुंच गए हैं हम शोरूम, ये रहते आज गाड़ी छोड़नी पड़ी मुझे यहीं, बड़ा बुरा लग रहा था यहीं गाड़ी को छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसका नमस्कार सर, मैं पहुंच गया शोरूम में गाड़ी लेके। अच्छा 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 अच्छा, आ गया सर, एक मिनट रुकिएगा। हाँ इधर साइड में, बैक साइड में जहाँ पे बाइकें खड़ी हैं। एक मिनट, आ गया मैं, अच्छा। बाहर ही तो आ रहा हूँ। एक तो काजा ब्राउन अंदर आइए, आपके उसमें नंबर प्लेट लगी नहीं? नहीं नहीं, अभी अभी कॉल आई थी मुझे कंपनी से कि नंबर प्लेट भी आ गई करके आपकी। अच्छा अच्छा, आपकी बाहर से है गाड़ी? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये आ गया, आ गया। हेलो सर, बढ़िया सर, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। ये गाड़ी? हाँ हॉर्न मेरे पास ही, हॉर्न दे देता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ, चाबी चाबी कीज है, चलिए सर। इसकी सर्विस भी होनी है, बाकी कॉल आई थी ना अभी, इसके नंबर वगैरह भी आ गया अगर, वो भी लगना है। अच्छा हाँ, ये हिमालयन आई है ना, गाड़ी दे दी है गाइस, आरसी और नंबर प्लेट भी आ गई है, तो शोरूम के अंदर जा रहा हूँ आरसी और नंबर प्लेट लेने। चलो ये है शोरूम, क्लासिक खड़ी है यहाँ पे। माइक लेना है अभी और वो लेना है। नहीं गोप्रो का एडाप्टर आता है ना, गोप्रो का एडाप्टर लगेगा यहाँ पे, तो उसमें माइक लगेगा। तो गाइस ये आरसी और नंबर मिल चुका है हमें, अब लगवाते हैं इसको। हाँ चलो भाई, ये देखो नंबर क्या है, दिखाता हूँ आपको गाड़ी का।
UK04AM6805। अरे बाप रे, बाइक का है 6805, कार का है मेरा 6809। ज़रा एक नंबर का अंतर है बस। टोटल थोड़ा सा बता का आएगा ना? हाँ ऐसे ही आएगा। इंडियन ऑयल है? वीडियो मत बना, अपनी बना रहा हूँ, अपना तो शूट कर ही सकता हूँ। अंदर की नहीं लोगे? नहीं अंदर के ले रहा हूँ, अपने तो शूट कर रहा हूँ खाली। मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी छोड़ के, अंदर की शूट कहाँ से करूँगा। तो कितने बजे मिलेगी गाड़ी? है नहीं उसका हॉर्न का कब तक बताओगे? एक से दो घंटे के अंदर हो जाएगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। अगर टाइम लगेगा तो चले जाता हूँ। हॉर्न का कब तक बता देंगे आप? दिन तक अभी क्लियर हो जाएगा, दिन तक। जैसे अगर हॉर्न सर्विस शुरू आती है और इसी रात इसका कंपनी के संग टिकट ले सके तो ठीक है। ठीक है, शाम तक ही क्या कहते हैं, दिन में कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके साथ। हाँ हाँ, बाकी अगर हॉर्न नहीं अवेलेबल है तो घर आके चेंज कर देंगे, बोल रहे हैं घर ही आ जाएंगे ना। ठीक है ठीक है। तो गाइस दे दिए हमने बाइक, बाकी हॉर्न का अपडेट बता देंगे। सर्विस भी हो जाएगी आज, 500 कंप्लीट हो गई थी और नंबर प्लेट और RC मिल गई हमें। तो बाकी अगर हॉर्न हुआ तो चेंज कर देंगे, वरना बोल देते घर आके आपके, हम दूसरा हॉर्न लगा देंगे। अब चलते हैं। सो गाइस फाइनली यार कंपनी से कॉल आ गया है मेरा, और कॉल आके मुझे बिल्कुल खुशी नहीं, पूरा मूड खराब हो गया मेरा। क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि 4 से 5 दिन बाद आपको बाइक मिलेगी, क्योंकि जो हॉर्न की इशू था उसमें हॉर्न खराब नहीं था, जो उसकी वायरिंग है हॉर्न की वो खराब हो चुकी है। तो गाइस जैसे नई गाड़ी आती है ना, जैसे अभी नई हिमालयन 450 नई नई लॉन्च हुई है, तो इनके पार्ट्स इनके पास अवेलेबल नहीं रहते हैं डीलरशिप और डीलरों के पास। तो ये क्या करते हैं, जो कंपनी से रॉयल एनफील्ड से वहां से पार्ट ऑर्डर करेंगे, वो आएगा फिर ये लगाएंगे, तब जाके ये सब करेंगे। तो गाइस बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, जैसे आप कोई भी जैसे नई गाड़ी मार्केट में आती है, जैसे हिमालयन नई है अभी नवंबर में लॉन्च हुई है, तो उसको थोड़ा परफॉर्म करने दे दो, देखो उसके रिव्यूज़ वगैरह देखो, एक आध साल बाद देखो कि कैसे मार्केट परफॉर्म कर रही है, उसके बाद लो। क्योंकि एकदम से अगर आप गाड़ी लेते हो, क्योंकि नई गाड़ी में इशूज तो देखो आएंगे, क्योंकि नई गाड़ी होती है वो धीरे धीरे चलेगी, कंपनी को पता चलेगा ये इशू है, तो जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन होता रहेगा वो चीज़ें रिफाइंड होती रहेंगी। तो नई गाड़ी में दिक्कत तो आएंगी आपको थोड़ा एकदम से लेने में, तो या तो गाड़ी ले लो और जो दिक्कत आ रही है उसे बियर करो, या थोड़ी रुक के ले लो उसे मार्केट परफॉर्म करने, तो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो गाइस मैंने तो नवंबर में दिसंबर में बुक करा दी, और मेरे को डिलीवरी के 4 दिन बाद ही मेरा हॉर्न खराब हो गया, और डिलीवरी भी मैंने जल्दी मुझे बाइक जल्दी चाहिए थी, क्योंकि मैं ब्लॉग वगैरह करना चाह रहा था, मुझे बाइक जल्दी चाहिए थी, तो मैंने शोरूम में कॉल वगैरह करके उनसे जल्दी बाइक करवा तो ली, और 4 दिन बाद ही मुझे इतनी दिक्कत आने लग गई। अब बोल रहे हैं 4-5 दिन मुझे बाइक लिए हो रहे हैं, और अब वहाँ से कॉल आ गया कि आपको 4-5 दिन कम से कम बाइक छोड़नी पड़ेगी, वो भी अभी कोई पक्का नहीं है कि 4-5 दिन में ही बाइक दे देंगे, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कि वायर आने में, और वो डीलर वालों के हाथ डीलरशिप के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि वहीं से जब तक वायर नहीं आएगी तो तब तक वो देंगे नहीं। या तो कंपनी को ये करना चाहिए, जितने भी अगर बाइक निकाल ली है तो डीलरशिप में भी सारे जो उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको दे दे पहले, ताकि गाड़ी में कोई दिक्कत भी आती है तो वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। तो गाइस अब जो भी है, अब 4-5 दिन मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, जब से गाड़ी रही थी रोज ही मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, सोचा था मैंने कि डेली मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, रोज ब्लॉग्स आपके लिए आ रहे थे, आप लोग पसंद भी कर रहे थे कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट करके। तो कोई नहीं गाइस, जल्दी जल्दी हमारी बाइक दोबारा वापस आ जाएगी, और बहुत सारी उसमें मॉडिफिकेशन भी करनी है, और रॉयल एनफील्ड से भी मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द मुझे गाड़ी वापस दे दें। तो बस यार यही है गाइस, अब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खराब हो ही सकता है, क्या ही करें, क्या कहते हैं, कुछ किसी के हाथ में नहीं है, अब हो गया तो बस यही है। गाड़ी नहीं आती है मार्केट में तो थोड़ा सा उसे देख लें, अच्छे से रिव्यू कर लें, लोगों से पूछताछ कर लें, गाड़ी में कोई कमी थी उसके बाद ले, क्योंकि नई गाड़ी दिक्कत भी कर सकती है। तो गाइस यही था यार आज का वीडियो, सोचा था इसके गाड़ी लेने जाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ हो चुकी थी अब, लेकिन अब 4-5 दिन तक अब नॉर्मल ब्लॉग करूंगा, देखता हूँ क्या करता हूँ। अब बाकी जब बाइक आएगी तब ट्रिप्स वगैरह तो हमारी हैं। तो गाइस यही था आज का वीडियो, बुरा लग रहा है यार,
किसी को बुरा लगेगा, चार दिन बाद ही गाड़ी में ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी और शोरूम में चार पांच दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, तो देखते हैं कब आती है हमारी बाइक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, बाय।